ट्रेनिंग फेस्ट सीजन 2 में एक जबरदस्त न्यूज एंकरिंग का सेशन रखा गया जिसका बहुत अच्छा रिस्पांस भी आया और मेरे साथ इस वक्त बोल न्यूज टीवी और उसके अलावा भी काफी सारे चैनल्स पे माशाल्लाह एंकर रह चुके हैं राहील अख्तर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। राहील भाई मुझे ये बताएं कि प्रोफेशनल वर्ल्ड तो एक है आपकी माशाल्लाह चल रहा है, आप स्टूडेंट्स को भी ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, आज हमारे फ्लोर पर आए यहाँ पे एक ट्रेनिंग फेस्टिवल की जब हर जगह नॉलेज मिल रही है और स्टूडेंट आपके पास भी बैठे हैं तो ये आइडिया आपको कैसा लगा और सेशन कैसा रहा? आइडिया इसलिए बहुत यूनिक है मरियम क्योंकि आप तो खुद इस इंडस्ट्री में काफ़ी पुरानी है और आपको पता है कि हम और आप एक बहुत बड़े मसले को हमेशा फेस करते रहे हैं जो कि फैसिलिटी का था। हम लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं ट्रेनिंग्स में लेके और बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं, हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े लर्नड हैं, बड़े एक्सपीरियंसड हैं, वो लोग बहुत कुछ अपनी एक्सपीरियंस को आगे पास ऑन करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास उस गैदरिंग को एक जगह बिठाने की जगह कभी नहीं होती थी और अगर जगह होती थी तो वो जगह इतनी इक्विप नहीं होती थी कि हम वहाँ पर कोई ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट कर सकें। तो मेरा ख्याल है ये जो आज की फैसिलिटी आपने मुझे दिखाई है अभी जहाँ हमने सेशन कंडक्ट किया है, आई थिंक इन्वायरमेंट से लेके और उसके इक्विपमेंट तक कि जो हमें प्रॉप्स चाहिए होते हैं, जो हमें गैजेट्स चाहिए होते हैं अपनी बात को बेहतर तरीके से इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने के लिए, वो हर चीज़ यहाँ मौजूद है। तो एक बहुत ज़बरदस्त सेटअप कनेक्ट का और आप लोगों की टीम का माशाल्लाह, और उसके बाद जो जिस तरह से आप लोगों ने क्राउड को गैदर किया है यहाँ पर सीखने वाले लोगों को और सिखाने वाले लोगों को, तो हमने एग्जीबिशन तो बहुत सारे देखे हैं जहाँ पर लोग बहुत कुछ बेचने के लिए आते हैं लेकिन ऐसे एग्जीबिशन बहुत कम हुए हैं जहाँ पर लोग सीखने और सिखाने वाले माहौल में एक साथ आते हैं। राहील भाई हमारे साथ मौजूद हैं तो एक सवाल पूछते चलें, आपका न्यूज एंकरिंग का एक बहुत जबरदस्त कोर्स है, क्या है वो? क्योंकि आज तो आपने एक छोटा सा यहाँ पे क्लास कंडक्ट किया लेकिन वो कोर्स क्या है थोड़ा हमें बताएं ताकि कभी हमने भी अगर या स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट करना हो तो वो जान सके। बेसिकली आजकल एंकर बनना इसलिए इतना आसान हो गया बिकॉज पहले आपको चैनल की नौकरी चाहिए होती थी उसके लिए, अब तो आप किसी भी घर में एक ट्राईपॉड और मोबाइल फ़ोन खरीद के, माइक खरीद के आप एंकर बन सकते हैं, अपना यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं। लेकिन उसके लिए जाहिर है कुछ टेक्निक सीखना ज़रूरी है, कुछ चीज़ें सीखना ज़रूरी है जो कि प्रोफेशनली सीखी जा सकती हैं। जब हम लोग इंडस्ट्री में आए थे तो हमें सिखाने वाला कोई नहीं था, हमने कर करके गिर के खुद उठे पर खुद सीखा, उसको हम थोड़ा सा बेहतर करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं अच्छा टैलेंट मार्केट में आए, कुछ लोग अगर अपने यूट्यूब चैनल्स भी चला रहे हैं तो वो भी उसको इफेक्टिवली और अच्छी क्वालिटी कॉन्टेंट के साथ मार्केट में आए, उसको अच्छा करने के लिए हमने ये इनिशिएटिव लिया था और उसमें आपने भी हमें उसमें साथ दिया कि न्यूज़ एंकरिंग का एक प्रॉपर कंप्लीट एक कोर्स जहां हम कुछ जगहों पर दो दो महीने का भी कोर्स करवा रहे हैं, कहीं पर एक महीने का भी कोर्स करवा रहे हैं, डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ आवर्स, और उसमें हम जुबान की दुरुस्तगी से लेकर कैसे आपने स्क्रीन पर ख़ुद को प्रेजेंट करना है और उसके बाद खबर पे ग्रिफ्ट कैसे मजबूत रखनी है, ये तमाम चीज़ें आपको इन चीज़ों के अंदर ना सिर्फ ये बताई और सिखाई जाएंगी बल्कि आपको प्रैक्टिस का मौका भी फराहम किया जाता है एक सिमुलेटेड न्यूज़ रूम के अंदर। तो ये सब चीज़ें हैं प्लान में इंशाल्लाह जिसको हम आगे भी एग्जीक्यूट करेंगे, इंशाल्लाह अगर इस तरह कुछ यहाँ पर मामला बने तो इंशाल्लाह आपके साथ भी वहाँ पर आगे लेके बढ़ेंगे। बिल्कुल, और राहील भाई की भी ट्रेनिंग सेशंस हैं, उसके अलावा आप AI ग्रुप के पेज पे विजिट कर सकते हैं। मज़ीद ट्रेनिंग सेशन की तफसीलात के लिए डू विजिट कनेक्ट।